लेना चाहिए या गेंदबाजी लेना चाहिए, ये हमसे बेहतर है। दोनों टीम यहां से जानते होंगे, चलेंगे इस मैच की तरफ। जहां पर बतौर सलामी बल्लेबाजी की बात करेंगे तो यहां पर टॉस हारने के बाद कोपरोली इलेवंस, कोपरोली टीम ने देखे पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं और देखते हैं बतौर सलामी बल्लेबाजी कहा जाए तो एक जख्म पर मरहम लगाने के काम करने के लिए उतरे हैं। विश्वजीत ठाकुर देखिए एक खूबसूरत नजारा, बड़ी नजारा देखिए, कई सारे देखिए हमारे माननीय अतिथि वहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का तहे दिल से स्वागत है। बाबूशाह सर, शिवधन पत संस्था चिरनर के संस्थापक गणेश म्हात्रे यांच्याकडून 2000 रुपये देणगी आलेले आहे, त्यांचे मनापासून आभार। आणि सर्व संघांना सूचना, उद्या जो सामना असेल सलामीचा पहिला, पावणे सातला पहिला चेंडू पडेल, मोठी जो विपक्ष केलवणे, आणि जो संघ उशिरा येईल त्या संघाला मात्र पॅनल्टी असेल। आज मात्र एका संघाला पॅनल्टी दिली गेली, तर उद्या सर्व संघांनी नोंद घ्यायचे। त्याचप्रमाणे खोपटेगावचे विद्यमान उपसरपंच सन्माननीय सुजित म्हात्रे साहेबांकडनं या स्पर्धेला रोख रक्कम 3000 रुपये देणगी आलेले आहे, मनापासून त्यांचं ही मनापासून आम्ही आभार मानतोय। तो चलिए राजेंद्र सर निश्चित रूप से यहाँ पर दिल थाम कर इस मैच का मजा लीजिए। ओहो दर्शक देखिए खचाखच, लगभग 40,000 से ज्यादा इस सनसनी मुकाबले के मजा लेने के लिए। कौन कहता है क्रिकेट नशा है, कौन कहता है क्रिकेट सजा है, भाई क्रिकेट के चाहने वालों से पूछो वो कहेंगे क्रिकेट जीने का मजा है। अंपायर की तरफ से यहाँ पर ग्रीन सिग्नल, टॉस जीतने के बाद यहाँ पर पहले यहाँ पर और टीम ने गेंदबाजी चुने हैं और कोपरोली इलेवन कोपरोली टीम यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए। बतौर सलामी बल्लेबाजी की बात करेंगे यहाँ पर निखिल और उनके साथ एक यहाँ पर हितेश, निखिल म्हात्रे, हितेश म्हात्रे देखिए यहाँ पर। और अंपायर की तरफ से देखिए सिग्नल, गेंदबाजी की बात करेंगे यहाँ पर संदीप गावन है। और ये चलिए पहली गेंद यहाँ पर लेट कट खेले, यहाँ पर देखिए गली और पॉइंट के फील्डर तेज भागे यहाँ पर, लेकिन आखिरकार बन गए दर्शक है, यानी पहली गेंद के पर इसे कहते हैं पहली नजर में। भाई दिल नहीं चुराया, दिल जलाया चौके के साथ। मेहनत है, दिन भर खून पसीना नींद हर चीज अपने फैमिली को देखे छोड़ते हुए आज इस मंजिल तक पहुंचते हुए, तो इसी तरह से देखिए बात करेंगे ये मैच है। जो कांटों को अपने हाथों में उठा लेगा भाई फूल भी उसको नसीब होगा। पहला सफलता मिल चुका है यहां पर, जरूरत थर्ड टीम को देखिए यहां पर एक ब्रेक तो दिलाना। और उसके बाद देखिए गेंद तो ऊंचाई ले ली है, लंबाई की है कमी, फील्डर देखिए यहां जाकर पहुंचे दो फील्डर, इसलिए तो राजेंद्र सर कहते हैं ना एक ही कंपनी में एक ही मैनेजर हो तो सही है, अगर दो दो मैनेजर तीन होंगे तो फिर कंपनी काफ़ी जल्दी टूट जाएगा। दो फील्डर पहुंचे, शायद एक फील्डर कॉल करते तो यहां पर गेंद तक पहुंच सकते थे। थोड़ी सी गलत कॉल हुआ, नजरें हटी, दुर्घटना घटी था यहां पर बल्लेबाजों ने विकेट के बीच में, देखिए कितना रन यहाँ पर, दो रन आता हुआ कभी कभी हो जाता है गेंद ऐसे जगह, देखिए बहुत बड़ी गैप रहता है। और मैंडेटरी पावर प्ले देखिए इसमें फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा यहां से 6 रन, और नए बैटर की बात करेंगे तो यहां से चरण म्हात्रे देखिए स्ट्राइक पर, चरण म्हात्रे अभी अभी उतरे हैं और फिर से देखिए अक्रॉस द लाइन यहां पर बात करेंगे क्या ओवर की हो गई समाप्ति यहां पर। और पहला ओवर का देखिए यहां से खेल समाप्त होने के साथ साथ और कुल टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा है यहाँ से 6 रन। और जहाँ पर देखिए 24 गेंद का मुकाबला है और एक कोपरोली इलेवंस कोपरोली टीम को देखिए कहते हैं ना ऊंट से अगर दोस्ती करनी है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। पहला ओवर में देखिए पहली गेंद पर आया चौका और उसके बाद देखिए क्या बढ़िया वापसी। नवनाथ सर इसे कहते हैं बादाम खाने से उतना अकल नहीं आती है, गलती करने से जितना अकल आती है। पहली गेंद को फ्लाइट किया था, आमंत्रण दिया था और उन्होंने अपने दावत को कबूल किया था। और उसके बाद देखिए गेंद की लाइन थोड़ा सा पीछे रखे, जो नई गेंद से हल्की सी जो उन्हें स्विंग मिला और उसका फायदा पूरी तरह से लिया पर है। क्या बढ़िया यहाँ पर, चलिए शॉर्ट टीम मीटिंग, ज़्यादा समय मत लीजिए, बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो चुकी है। दर्शकों के नजरिए देखिए पूरी तरह से पर खचाखच पैक मैदान है। और ऑनलाइन देखिए बात करेंगे यहाँ पर साइप्रिल लाइव से देखिए कई दर्शक जुड़ चुके होंगे, कुछ समय के लिए देखिए बात करेंगे, थोड़ा सा ऑफलाइन हुआ था निश्चित रूप से लेकिन उसके बाद फिर से देखिए ऑनलाइन है। तो चलिए नई गेंदबाज की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रथमेश जी गावन,
प्रथमेश गावन देखिए बात करेंगे, फिर कौन कहा जाए तो अविनाशी गावन देखिए हमारे एक अच्छे दोस्त, उनका भी तेजी से स्वागत है। तो चलेंगे यहाँ पर देखिए 18 गेंद बचा है और कोपरोली 11 कोपरोली टीम के दर्शक इंतजार कर रहे होंगे कि मेरी सपनों की रानी का, भाई रानी नहीं, यहाँ पर चौके छक्के कब आएगा, क्योंकि पहला ओवर में देखिए रनों की बात करेंगे ना अंकुश लगी है यहाँ पर। पहली गेंद में चौका आया और उसके बाद देखिए दोनों बैटर को बांधा गया, लेकिन यहाँ से देखिए आने वाला 18 गेंद और यहाँ कहते हैं ना जो हौसला रखता है आसमान छूने का वो परवाह नहीं करता है चमी पे गिर जाने का। गेंदबाज प्रथमेश ये चलिए भाई गली के रीजन पर वो क्या देखिए यहाँ पर अपट कट खेलना चाहते थे यहाँ पर और चौका आता हुआ। शिवशक्ति डाक्टरजी आणि निर्वी 11 टाकीगाव दोन्ही संघांना सज्ज राहायचं आहे। तो चलिए यही काम करना होगा नवनाथ सर, सर में कफन बांध कर आपको बल्लेबाजी, रन आना बहुत जरूरी है और चौके के साथ कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गए यहां से 10 रन। ऊपर की देखिए पहली गेंद और लगभग देखिए यहां पर दिशा दे दी यहां पर और इसके बाद देखिए यहां पर हल्के हाथों से गेंद को खेला यहां पर और एक रन आता हुआ। बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर, तारीफ करना चाहूंगा वेटर की यहाँ पर हितेश ने देखिए पहली गेंद के ऊपर चौके दागे। नवनाथ जी हितेश ने बता दिया भाई मुझे बंदूक भी चलाना आता है दिश्कौ, दिश्कौ, दिश्कौ। और गिटार भी बजाना आता है, ये एक बड़ी खिलाड़ी की पहचान होता है क्योंकि चौके छक्के के साथ सिंगल डबल, क्योंकि 34,357 रन सचिन रमेश तेंदुलकर, ऐसा नहीं कि चौके छक्के से, कहीं सारे सिंगल डबल भी उसमें जुड़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए हितेश वही काम कर रहे हैं, लेकिन चरण देखे इन्हें मेरे हिसाब से थोड़ी सर में कफन बांधना होगा, एक आग बैटर को तो यहां से मोहरा बनना होगा। गेंदबाजी की बात करेंगे प्रथमेश फिर से एक बार तैयार, अरे चलिए भाई कितना दूर यहां पर देखिए वाइड का इजाफा, बिन पायल से बची घुंघरू, ये जो तेरी पायलों के, भाई पायलों की झनकार दिल चुराएगी, लेकिन मैच नहीं, मैच चुराना है तो फिर बल्ले से मेहनत करना होगा, क्योंकि दूसरे के कंधों में मैं हमेशा कहता हूँ जनाजा उठाया जाता है और खुद की कंधों में जिम्मेदारी। आज देखिए यहाँ पर तिरंगा ट्रॉफी इस कामयाब के मुकाम तक है तो हर किसी ने देखिए अपने कंधों पर जिम्मेदारी लिए हैं। ओहो उड़ाया, वाह रे वाह, हटा सावन की घटा, आता हुआ बेमिसाल छक्का। चलिए चरण के बल्ले से एक छक्का आया और छक्के के साथ देखिए टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंच गया पर 18 रन। संदेश जी मैं हमेशा कहता हूं बस में धक्का खाना और क्रिकेट में छक्का खाना, क्योंकि बस में धक्का खाओ तो मन हो जाए दूसरे दिन से मोटर बाइक पर जाऊं और क्रिकेट में छक्का खाओ तो यही गेंदबाज सोचता है आगे भलाई मुझे जाकर सफलता ना मिले, लेकिन कैसे भी एक अच्छा गेंद निकल जाए। और यहां पर देखिए उड़ाया, वाह रे वाह, इस बार देखिए आता हुआ चौका, यानी चरण का गाड़ी चलता हुआ पम पम और एक चरण। चलिए चरण के बल्ले से देखिए एक छक्का एक चौका आने के साथ है और दबाव देखिए यहां से गेंदबाज के ऊपर, टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 22 रन। फिर से एक बार देखिए हवा में कुछ समय रहा गेंद और घुमा यहां पर, शॉट पॉइंट तैनात है और एक रन बड़ी आसानी के साथ आता हुआ, ये भी अच्छी सोच है। कहते हैं ना बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ, एक छोटा सा उड़ापाव का धंधा शुरू कर दो, हर गेंद के ऊपर चौके छक्के लगाने से बेहतर सिंगल डबल। बहुत बढ़िया, देखिए स्कोर बोर्ड चलना बहुत जरूरी है और सिंगल के साथ देखिए कुल स्कोर जाकर पहुंच गया 23 रन। जैसे कहते हैं ना एक एक फूल से एक माला बन जाता है, एक एक ईंट से एक इमारत बनती है और एक एक कड़ी से एक चैन बनता है, तो एक एक रनों से देखिए यहाँ पर टोटल 23 रन। और हितेश देखिए इस बार स्ट्राइक पर, ओहो इस बार देखिए
जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश यहां पर उभर की हो गई समाप्ति। बढ़िया गेंदबाजी। नवनाथ सर कहते हैं ना, ताश का जोकर और बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है। और प्रथमेश ने बता दिया, कान बड़ा होने से कोई बहरा नहीं होता और एकाक चौके छक्के खाने से कोई आशीष नेहरा नहीं होता। ये भाई बुमराह का जमाना है, गुमराह करना जानते हैं। क्योंकि आशीष नेहरा कहा जाए तो इंग्लैंड के साथ वर्ल्ड कप में देख लीजिए, 6 विकेट लेने की हिस्ट्री। लेकिन उस समय देखिए स्लो ओवर में बहुत पिटाई होती थी, लेकिन आजकल लसित मलिंगा जब से आए, और ये चलिए अब स्क्रीन पर आप देख सकते हो, खूबसूरत देखिए यहाँ से चांद। विनोद जी देखिए कैमरामैन पहुँच चुके हैं चांद तक, लेकिन कहते हैं ना अगर चांद आधा भी दिखाई दे ना उसे चांद कहा जाता है। तो उसी तरह की क्रिकेट की बात करेंगे, खिलाड़ी देखिए नीचे भी उतरे या ऊपर भी उतरे या 11 नंबर पर उतरे, उन्हें वही बैटर कहा जाता है। तो अभी तक देखिए बहुत बढ़िया काम। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा है यहाँ से 30 रन। क्या बढ़िया खूबसूरत नजारा देखिए यहाँ पर हमारे आयोजन करता हूँ कि देखिए अलंकर दादा परदेशी साहब लीजिए, राजेंद्र भगत साहब लीजिए। अगर टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 23 रन। और चलिए चरण की बात करेंगे, इन्होंने 13 रनों के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और हितेश की बात करेंगे तो देखिए 3 गेंद के ऊपर 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक पर बैटर। चरण गेंदबाजी की बात करेंगे, गेंदबाज देखिए ऋषिकेश, ये ओवर देखिए बहुत कुछ बता कर जाएगा। अगर इस ओवर में रन आए तो फिर मुश्किल बन जाएगा। अगर अरे चलिए बहुत सफल हो गए थे यहाँ पर, और ऑफ स्टंप के देखिए काफ़ी बाहर गेंद था, लगभग देखिए वाइड के लाइन से दूर था, लेकिन हैरानी बात है अंपायर ने वाइड क्यों नहीं दिया। ये कोई हैरानी इसलिए है कि कहते हैं ना किसी के घर में अगर घुसकर उसे पिटाई करो तो भाई पुलिस कंप्लेंट बनेगी, अगर इतनी सफल होकर बल्लेबाजी करोगे तो फिर अंपायर की डिसीजन बदलेगी। और अंपायर ने वही किया। ओहो उसके बाद देखिए जवाबी हमला, वार रे वाह यहाँ पर लाजवाब, और झलक 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 दिखला जा 6 रन। और रायगड भूषण पुरस्कार राणा सन्मानित असणारे मोठेजी गावचे सुपुत्र सन्मान्य पप्पन पाटील सरांना विनंती करतो की आपण मंचावर यायचं आहे। कळमुस्त्री गावचे माजी सरपंच रामदास जाधव साहेबांचं शुभ आगमन झालंय, तिरंगा ट्रॉफीच्या वतीने त्यांचंही मनपूर्वक आम्ही स्वागत करतोय। तो चलिए यहाँ पर देखिए चरण बता रहे हैं, आ लड़ले खुल के मैदान अभी खाली पड़ा है, सामने तेरा क्रिकेट का बाहुबली खड़ा है, और अभी तक तो अपना ताकत जोर दिखाते हुए, लेकिन देखते हैं गेंदबाज है, दबाव तो बन चुका होगा। यहाँ पर ऋषिकेश का देखिए स्वागत किया, पहले गेंद देखिए डॉट गेंद वाइड यॉर्कर डाला गया था, और उसके बाद देखिए छक्का आता हुआ, लेकिन इस ओवर में देखते हैं और कितना लंबा बनाएंगे इस ओवर का। कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गए यहाँ पर 29 रन, 29 देखिए पर रनों का हो रहा है बरसात। शिव शक्ति डॉक्टर संघ हाजिर है, कृपया निर्भी 11 टाकीगाव यायचं आहे आपण। किसन भोईर औरेगावचे सुपुत्र यांचंही शुभ आगमन झालं, त्यांचंही मनापासून आम्ही तिरंगा ट्रॉफीच्या वतीने स्वागत करतोय बाबूशा सर। तो चलिए यहाँ से देखिए क्या गेंद में हुआ है खराबी, चलिए अंपायर यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा गेंद यहाँ पर देखिए वो शब्दम भी गिरता हुआ यहाँ पर। और कुल टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 29 रन पहुँच चुका है, और क्या बढ़िया देखिए यहाँ पर बल्लेबाजी दिखाते हुए चरण माथरे खास करके टूट पड़े हैं गेंदबाज के ऊपर। और इस बार देखिए लेग बिफर की अपील और तेज अपील किया गया, लेकिन बैटर ने देखिए विकेट के बीच में लेग बाई से 1 रन लेते हुए 1 रनों के साथ कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गए यहाँ पर 30 रन। और बढ़िया वापसी देखिए, भलाई देखिए गेंदबाज छक्के खा रहे हैं चौके खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए एक लड़ने की ताकत दिखाते हुए यहाँ पर, और भरोसा अपने आप के ऊपर दिखाते हुए। कहते हैं ना रख भरोसा खुद ही पर, क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, परिंदों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते अपने रास्ते। अरे गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, ओहो इस बार देखिए वाइड यॉर्कर, क्या बढ़िया जाल में देखिए फंसा रहे हैं यहाँ पर बैटर को। यहाँ पर हितेश मात्रे देखिए ये अभी तक शांत हैं, लेकिन कहते हैं ना समंदर को शांत देखकर ये मत सोचे कि इसमें जान नहीं है। कहते हैं ना अक्सर ठहरा हुआ दरिया काफ़ी गहरा हुआ करता है, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी ऋषिकेश की, जितनी भी तारीफ किया जाए। छक्के खाने के बाद 30 रन देखिए टीम का टोटल। इस बार भी देखिए यहाँ पर वाइड यॉर्कर, इन्होंने बहुत बढ़िया ये लाइन पकड़ लिया यहाँ पर, और दोनों बैटर ने देखिए यहाँ पर तेज भाग कर 2 रन आता हुआ। ये भी अच्छी सोच है, हर गेंद के ऊपर देखिए चौके छक्के लगाना इतना आसान नहीं रहता है।
और कहते हैं ना, काम इतनी शांत और दिमाग से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। और अभी तक देखिए बड़ी शांत से सफलता से यहाँ पर काम ले रहे हैं। पहला विकेट देखिए शुरुआत में गिरा, यहाँ पर पहला ओवर में गिरा एक चौके आने के बाद, और उसके बाद देखिए ये साझेदारी थोड़ा सा खतरनाक साबित होता हुआ। जैसे कहते हैं ना, जय और वीरू की जोड़ी गेंदबाज की कमर तोड़ी। ओहो बढ़िया, देखिए शॉट सिलेक्शन देखिए कितना कमाल का। इसलिए तो कहता हूँ जिंदगी में अगर महान खिलाड़ी बनना है ना, तो देर रात तक चैटिंग करने से बेहतर शॉट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए। आता हुआ खूबसूरत चौका। कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 गाँव सराना यारा झूम झूम के होले होले ओले 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 मुझको लुभाती है जवानियाँ मस्ती लुटाती सुंदर कहानियाँ मने ना देना पागल मत कौन। तो चलिए बात करेंगे, देखिए यहाँ पर कातल पड़ा प्रीमियर लीग केपीएल 2022। देखिए यहाँ पर और ये भी देखिए खास करके नाइट देखिए रहेगा, जहाँ पर आपको बात करेंगे 23 मार्च और शाम के देखिए 7 बजे से। क्या बात है, देखिए मौका है यहाँ पर इसी मैदान के ऊपर निश्चित रूप से। यहाँ पर 23 मार्च नाइट देखिए यहाँ पर केपीएल। लेकिन सियां से देखिए बात करेंगे, अंतिम 6 गेंद बचा है, टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए यहाँ पर 36 रन बनाए हैं। लेकिन अभी तक देखिए इस जोड़ी की बात करेंगे ना, जय और वीरू की जोड़ी गेंदबाज की कमर तोड़ी। लेकिन अनुप जी बात करेंगे ना, हर टीम में 2 गेंदबाज जगह ऐसा होना चाहिए, नई गेंद से विकेट निकालना, पुराने गेंद से रन बचाना, तब जाकर आप चैंपियन बन सकते हो। जिस तरह की कहते हैं ना, अगरबत्ती 2 प्रकार के होते हैं, एक भगवान को लगाने के लिए, एक मच्छर को लगाने के लिए, क्योंकि भगवान इतने आसान से आते नहीं हैं और मच्छर इतने आसान से जाते नहीं हैं। तो उसी तरह से हर टीम में 2 गेंदबाज ऐसा होना चाहिए, नई गेंद से विकेट निकालना और पुराने गेंद से रन बचाना। क्या यहाँ पर आखिरी ओवर गेंदबाज है दर्शन, देखिए यहाँ पर, और ये चलिए अभी तक तो रन बचाने की कोशिश कर रहे हैं और विकेट देखे रन आउट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर दर्शन ने आते ही दे दिया एक दर्शन। क्या बढ़िया, देखे यहाँ पर अभी तक देखिए जितनी मैच हम देखते आ रहे थे, 4 ओवर में लगभग 60-62 इसके ऊपर पहुंचते हुए नवीन फलंदाज प्रीतेश शाळा, प्रीतेश साठी एक सुवर्ण संधी असेल। मोटेजी गावचे विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य दीपक भोईर यांच्याकडनं षटकार हॅट्रिकसाठी 2000 रुपये पारितोषिक प्रीतीशसाठी असेल। ओटू बाबूशा सर, तर चलिए यहाँ पर देखिए चौके छक्के के लिए बक्सिस पाने की मांग किया गया है, लेकिन थक गए हैं खिलाड़ी शायद मेरे हिसाब से। यहाँ पर हितीश देखिए यहाँ पर लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो चलिए पानी पहुँचाइए। अभी भी देखिए 5 गेंद बचा है और क्या बढ़िया देखिए यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर। और राजेंद्र सर, मैं हमेशा कहता हूँ चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है, बड़े हिट के लिए हाथ उठाना पड़ेगा। और मैदान के अंदर देखिए पानी पहुँचा है। ओहो, लेकिन कहते हैं ना, काली चुनरी और काली जुल्फे और काली रंग है कढ़ाई का, पानी कम पी गुरु, ये समय है तेरी लड़ाई का, क्योंकि कीमत पानी का नहीं होता है, कीमत हमेशा प्यास का होता है, और कीमत चौके छक्के का नहीं, कीमत एक अच्छा इनिंग का होता है। अभी तक देखिए बात करेंगे, चरण बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका रनआउट होना, क्या ये मैसेज है कोपरोल 11 कोपरोल टीम के लिए बुरी है या बुम बुम प्रीतेश यहाँ पर इन्हें बुलाया गया है? आखिरकार स्लो ओवर के लिए देखिए ऐसा बैटर रखा जाता है, लेकिन स्ट्राइक में देखिए हितेश आ जाएंगे। और कहते हैं ना, अगर समंदर से दिल लगाना है तो फिर छोटे छोटे नदियों से टकराना होगा। और ये चलिए भाई, दिल तो नहीं लगा पा रहे हैं समंदर से, लेकिन छोटे छोटे नदियों से देखे टकरा रहे हैं। पहला रन और देखते देखते यहाँ पर तेज भागे, दूसरा रन आता हुआ, सिंगल डबल से टोटल तो आगे बढ़ेगा, लेकिन कम से कम 50 तक पहुँचने का है तो फिर इससे काम नहीं चलेगा। 38-38 रन, कहते हैं ना समंदर की लहर चाहे जितना भी ऊपर उठे वो कभी आसमान नहीं छू सकता। और अभी तक देखिए बात करेंगे ना, हितेश थोड़ी सी नाखुश हैं अपने बल्लेबाजी से, क्योंकि 7 गेंद के ऊपर 13 रनों का इनिंग्स खेले हैं, लेकिन अभी भी देखिए उनके पास मौका है, 4 गेंद अभी भी बचा है। अरे चलिए इस बार हल्के हाथों से खेला, जब तक गेंद वापस आता तब तक देखिए फिर से 1 रन है, 1-1 रनों से यहाँ पर। और देखते देखते यहाँ पर क्या दूसरा रन यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ, देखिए तीसरी अंपायर की तरफ रेफर किया गया, यहाँ पर अंपायर की तरफ से 2 रन हुआ होगा तो फिर भी इतनी नाखुश नहीं रहेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर रन आउट से 1 रन भी बचाए तो डिसीजन पेंडिंग। देखिए यहाँ से हेलो निर्वी 11 टाकीगाव आणि शिवशक्ती डॉक्टरजी दोन्ही संघाच्या संघांकडे यायचा आहे। सामना 3 षटकांचा पॉवर प्ले असेल, दोन्ही संघांना नोंद घ्यायचे
शिवशक्ती डाकिगा शिवशक्ती डाकपुरी संघ हजर आहे. निर्भीर इलेवन डाकिगा संघात संघाने घ्यायचं आहे. तो चलिए यहाँ पर बैटर को देखिए आना होगा. कहते हैं ना, हमें अपनों ने लूटा, कहाँ गैरों में दम था, और जहाँ मेरा बल्ला पहुँचा वहाँ से चूना का लाइन थोड़ा दूर था. क्या बढ़िया साइप्रिन लाइव, देखिए क्या क्लियरिटी क्वालिटी दे रहे हैं. मुझे तो लग रहा है चौथा लहर आ रहा है. कभी कभी अगर कोविड का चेक करना है तो इनके पास आ जाना. बहुत बढ़िया, देखिए रनआउट यहाँ पर स्क्रीन पर कर दिए. दूध का दूध, पानी का पानी. अनुज जी मुस्कुराते हुए निश्चित रूप से, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जब तक नहीं आया था टेनिस क्रिकेट में, कहीं अंपायर परेशान थे. और आज भी देखिए टेनिस क्रिकेट में कई अंपायर के ऊपर कभी कभी चर्चा होता है, लेकिन ऊंचा दर्जा इन्हें हमेशा दिया जाता है. कठिन रोल हमेशा इनका रहता है. चलिए संदेश जी बता रहे हैं थ्रो गेंदबाज को भी उनके लाइव से निकाल दिए थे वॉल नाइट में. मुझे तो लगता है ये सरकार भी गिरा देंगे. नहीं ना. क्योंकि कभी कभी आपने खिलाड़ी को गिरा दिया ना भाई, सरकार कहने के मतलब देखिए वो तो रेंज बहुत बड़ी है. मेरे कहने का ये था आपने खिलाड़ी को तो बाहर निकाल दिया. वाइट गई जब एक्स्ट्रा रनों, देखिए एक्स्ट्रा रन आपके दिल को यहाँ पर थोड़ी सी तसल्ली देगा, लेकिन मंजिल तक नहीं लेकर जाएगा भाई. कौन तो लेकर जाएगा मंजिल से. लेकिन स्ट्राइक पर देखिए बैटर बात करेंगे. हितेश मात्रे कहते हैं ना, असूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है भाई, जिंदा है तो फिर जिंदा नजराना जरूरी है. और ये चलिए फुल लेन का गेंद, लेकिन आज काम नहीं चल रहा है. अवना सर पहला एक ऐसा मुकाबला मैं देख रहा हूँ जहाँ गेंदबाजी हावी होते हुए, इसलिए तो कहा भाई अगरबत्ती दो प्रकार की होती है, एक मच्छर को लगाने के लिए, एक भगवान को लगाने के लिए. हर टीम में दो गेंदबाज ऐसा होना चाहिए. पहली गेंद में तीसरी अंपायर बीमर के लिए. ये तो हर चीज़ों में मेरे हिसाब से जब से यहाँ पर कल देखिए जसाई के मैदान पर वाइड पर रिव्यू मांग रहे थे. मैं बोला भाई ऐसा मत करिए, कल जाकर कोई शादी के मंडप में कहेगा रिव्यू निकालिए, फिर शादी रिश्ता टूट जाएगा. हर चीज़ों में रिव्यू नहीं होती है. लेकिन यहाँ पर बीमर के लिए बैटर ने लिए हैं. अंपायर समझ गए निश्चित रूप से आपकी तरफ से कॉल नहीं था यहाँ पर, जो खिलाड़ी का यहाँ पर कॉल था. चलिए ये भी बैटर की भी अच्छी सोच है, रिव्यू लेकर घर में जाकर क्या करें भाई, लेकर जब है तो अपने हाथों में ले लेना चाहिए. तो चलिए यहाँ से बात करेंगे फेयर डिलीवरी. यहाँ पर गेंदबाज सेफ हैं, ये भी बैटर भी जानते थे, क्योंकि थोड़ा सा देखिए बैटर बात करेंगे थोड़ा सा कमर घुटना टेके फुटरो निकले थे और नीचे घुटना झुका था, और इसलिए देखिए स्क्वायर लेग के अंपायर ने उनकी तरफ से कॉल नहीं था. हम बल्ला देखिए यहाँ से लगा था निश्चित रूप से, अंपायर की तरफ कॉल नहीं था, कॉल नहीं था. यहाँ पर आवाज़ भी बड़ा तेज आया था, लेकिन बीमर के लिए देखिए यहाँ पर कॉल था. लेकिन स्क्रीन कितना बचा है यहाँ से, दो गेंद बचाए हैं भाई. यहाँ पर कहीं तो सोच रहे होंगे कोपुली टीम के दर्शक की एकाग तो चौके छक्के आना जरूरी है. और ये चलिए बहुत मुश्किल हो रहा है भाई अभी तक. देखिए यहाँ पर पहला रन और दूसरे के लिए, और दूसरा रन देखिए यहाँ पर फिर से तीसरी अंपायर. चलिए बात करेंगे स्ट्राइक इनमें, देखिए यहाँ पर बैटर आउट है निश्चित रूप से. यहाँ से शायद एक रन कंप्लीट हुआ है, दूसरे के लिए रन आउट हुए. तो शॉर्ट रन एक यहाँ पर चेक करने का है क्या? हाँ तो चलिए शॉर्ट रन के लिए चेक करने के लिए अंपायर बता रहे हैं यहाँ पर. चलिए अंपायर देखिए अगर शॉर्ट रन के लिए कॉल किए, अगर यहाँ से हमें आया तो कुछ नतीजा ठीक है, नहीं तो जो फिर अंपायर कॉल होगा मैदान के ऊपर उसके ऊपर हमको चलना पड़ेगा. चलिए साइप्रिन लाइव थोड़ा बढ़ चलिए. बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पर तो चलिए अंपायर आपका जो कॉल है वहां से आपको शॉर्ट रन के लिए देना होगा. जो आपकी नजरें निगाहें थी वही आपको करना होगा. क्या अंपायर यहां से एक रन कंप्लीट? मैंने यही बात बताया कि यहां पर
हमारे पास दो या तीन कैमरा है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय में बात करेंगे कहीं एंगल से कैमरा है, अगर शॉर्ट रन रहेगा तो फिर फंस गए, कोई रन नहीं आएगा। अगर अंपायर यहाँ से एक रन कंप्लीट, हाँ बिल्कुल एक रन कंप्लीट है, दूसरे के लिए रन आउट। चलिए फील्ड खोल दीजिए और बहुत बढ़िया, देखिए नवी तुली गेंदबाजी, तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पर। और ये टीम के समर्थक देखिए खुश रहेंगे, क्या बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन यहाँ पर तो आखिरी गेंद में चाहेंगे भाई कंकर पत्थर मत मारो, एक पहाड़ मार दो। देवेश मात्रे नए बैटर की बात करेंगे, देवेश मात्रे एक गेंद सामना करेंगे, क्या फटा पोस्टर निकला हीरो। अरे चलिए फिर से भागेंगे, फिर भी मुझे लगता है संदीप जी तैयार रहिए। और ये चलिए इस बार शायद आपकी तरफ नहीं पहुंचेंगे, और इस बार देखिए क्लियर रन आउट होते हुए और एक रन आता हुआ। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 42 रन, 43 पहुंचा है और 44 की जरूरत है। तत्पूर्वी मान्यवरांचं आदरातिथ्य करूया। खऱ्या अर्थानं क्रिकेट हा खेळ सर्वांच्या नसानसामध्ये भिनलाय, हा खेळ आणला इंग्लंडनं, पण या खेळावर अधिराज्य गाजवलं भारतीयानं, आणि खऱ्या अर्थाने भारतीय भारत देशामध्ये अनेक खेळाडू झालेत। आज या पूर्व विभाग आणि उरणमधील एक सितारा ज्यानं अतिशय कमी काळामध्ये आणि कमी वेळामध्ये क्रिकेट क्षेत्रामध्ये उत्तुंग झेप घेतली, कारण माणसाकडे प्रखर आत्मविश्वास जिद्द ज्यावेळी असतोय त्यावेळी कुठलीही गोष्ट अशक्य नाही। 2014 साली अलिबागच्या एका स्पर्धेमध्ये हा खेळाडू पब्लिकमध्ये होता, पण आज हा खेळाडू साता समुद्रापलीकडे जाऊन पोचलाय, आणि खऱ्या अर्थानं आपली भेदक गोलंदाजी आणि अतिशय विस्फोटक फलंदाजी या जोरावर उरण तालुक्याचं नाव ज्यानं रोशन केलंय, आणि अनेक नवतरुण खेळाडूंचा मार्गदर्शक म्हणून ज्याच्याकडे पाहायला जातोय तो दिगोडे गावचा सुपुत्र उरणची आण बाण शान, खऱ्या अर्थानं रायगडचा हार्दिक पांड्या विश्वजित ठाकूर याचं शुभ आगमन झालं। मी विनंती करतोय आमच्या स्पर्धेदरम्यान रोशन गोंदी यांना की आपल्या शुभ असते, आपण सन्माननीय विश्वजित ठाकूर रायगडचा हार्दिक पांड्या याचं आपण स्वागत करतोय, सोबत परेश पाटील या दोघांनाही विनंती करतो की आपल्या शुभ असते। आपण विश्वजित ठाकूर मोठ्या आताच विवाहाच्या बंधनामध्ये अडकलाय, त्याच्या भावी आयुष्यासाठी नवजीवनासाठी तिरंगा ट्रॉफीच्या वतीने मनपूर्वक आम्ही शुभेच्छा देतोय। टाकीगाव आणि डाक्टूजी दोन्ही संघाला विनंती करतो या नाणेफेक करायचं आहे, सन्माननीय विश्वजित ठाकूर यांच्या शुभ असते। चलिए विश्वजित ठाकूर देखे स्क्रीन पर आप देख सकते हो, कहते हैं ना तलवार की पहचान, शुभ असते, नाणेफेक केली जाईल। दुसऱ्या फेरीमधला पहिला सामना शिवशक्ती डाक्टूजी विपक्ष निर्वी 11 टाकीगाव या दोन संघादरम्यान सामना 3 षटकांचा पॉवर प्ले असेल, याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे। रायगडचा हार्दिक पांड्या आता जो विवाहाच्या बंधनामध्ये अडकलाय, आणि विवाह या आयुष्यामधली एक अनमोल भेट असते, एक अविस्मरणीय आनंदाचा दिवस जर कुठला असेल तर तो शुभविवाह सोहळा, आणि या काळामध्ये विश्वजित ठाकूरचा विवाह सोहळा अतिशय राजशाही थाटामध्ये संपन्न झाला, तो विश्वजित ठाकूरचा शुभ असते। आणि काल मात्र बारामती गोवा रत्नागिरीला खेळण्यासाठी विश्व ठाकूर गेला होता, मनपूर्वक शुभेच्छा पुन्हा एकदा। तदनंतर रायगड भूषण सन्माननीय पप्पन पाटील सरांचं सुद्धा इथे आगमन झालं, त्यांचंही स्वागत केलं जाईल। मी विनंती करतो सन्माननीय हेमंत परदेशी यांना की आपल्या शुभ असते, आपण रायगड भूषण पुरस्कार असणारे पप्पन पाटील सरांचं स्वागत करायचं आहे। कळमुसरे गावचे माजी सरपंच रामदास जाधव सरांना विनंती करतो, आपणही थांबायचं, आपले स्वागत केलं जाईल। कलमोस्त्रे गावचे माजी सरपंच रामदास जाधव टाकीगाव टॉस इकडे, सन्माननीय विपुल म्हात्रे विद्यमान उपसरपंच ग्रामपंचायत कोपरवली यांनाही विनंती करत होतो की आपणही मंचावर येण्याची कृपा करायची, अनेक मान्यवरांची मांदी आली या कार्यक्रमासाठी आज या तिसऱ्या रजनीमध्ये होताना पाहिली, अनेक मान्यवर की अनेक क्षेत्रामध्ये ज्यांना नाविन्य काम केलंय, खऱ्या अर्थानं प्रेक्षक या पूर्व विभागामधली वर्ल्ड कप म्हणून ज्याला संबोधलं जातो ती तिरंगा ट्रॉफी माध्यम काँग्रेस, पण स्पर्धा चिरणार भूमची संपूर्ण गावाला हेवा वाटावा अशी स्पर्धा गेले 7.5 वर्ष अथक प्रयत्न तिरंगा ट्रॉफीचे सर्व आयोजक आणि सर्व ग्रामस्थ यांच्या सहकार्यानं आणि अनेक पाठीराखांच्या जीवावर ही स्पर्धा आम्ही आज संपन्न करतो आहोत। तुम्हा सर्वांचा पाठिंबा, कारण प्रेक्षक राजा हा खऱ्या अर्थानं क्रिकेटचा कणा असतो, तर प्रेक्षक जर नसले
तो क्रिकेटला मजा नसते तर प्रेक्षकांचंही मनापासून तिरंगा ट्रॉफीच्या वतीने आम्ही आभार मानतोय आणि पुन्हा एकदा आपण ऐकूया आवाज बाबू शाह। तो चलिए बात करेंगे राजेंद्र सर, देखिए एक बहुत बड़ा सम्मान किया गया और मैंने पहले ही बता दिया कि तलवार की पहचान उसकी धार से और विश्वजीत ठाकुर की पहचान उसके वार से। हर बैटर कहता है अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे वार से। क्या बढ़िया गेंदबाजी कर लेते हैं, आंखों से सुरमे नहीं आंखें ही चुरा लेते हैं विश्वजीत ठाकुर। और देखिए उन्होंने पहले मंजिल तक पहुँच लिया और अपने कामयाबी मंजिल तक पहुँचने के बाद आज शादी के बंधन तक पहुँचे। बहुत बहुत बढ़िया संदेश दिए युवा खिलाड़ियों के लिए कि पहले आप कामयाबी की तरफ पहुँचिए। तो चलेंगे इस मैच के टारगेट की बात करेंगे। अच्छा 44 रनों की टारगेट है 44। देखिए छोटा सा टारगेट है लेकिन संदेश जी कहते हैं ना, भैंस ने अगर जियो का सिम खाया तो ये मत सोचिए अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है। भलाई यहाँ पर देखिए 44 रनों की टारगेट है, हो सकता है गेंदबाज भी पलटवार कर सकते हैं। कहते हैं ना क्रिकेट में किसी भी छोटा मत समझे। आज भी देखिए एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर रहा है और लाखों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए। तो क्रिकेट में कोई भी टारगेट है, कुछ भी हो सकता है। दो वैक्सीन लेकर जब हम सुरक्षित नहीं थे फिर ये 44 कितना सुरक्षित रहेगा। चलेंगे देखते हैं, क्रिकेट का दस्तूर तो यही है भाई, झूला जितना आगे जाता है उतना पीछे आता है। स्ट्राइक पर देखिए प्रतीक गावन और विशाल जी पाटिल, देखिए मेंडिस मैच का मजा लेते हुए। और पहला गेंद कवर ड्राइव, वार रे वाह यहाँ पर आता हुआ चौका। कहते हैं ना दोस्ती नजरों से हो तो उसे जन्नत कहते हैं, अगर शुरुआत चौके छक्के से तो उस खिलाड़ी को वीरेंद्र सहवाग कहते हैं, सहवाग कहते हैं विनंती करतोय कळमस्त्रे गावचे माजी सरपंच रामदास जाधव साहेबांचं आपण स्वागत करायचंय। ओहो उसके बाद क्या हो गया, बीमर गेंद यानी मामा ठाकुर अरुण भी गया हो, नजदीकी मामला हो सकता था, बच गए बाल बाल। नो बॉल बीमर गेंद और मौका देखिए यहां से, और जहां पर 44 रनों के यहां पर टारगेट रखे हैं। और नवनाथ सर लोहा का चना चुभाओगे तो दांत टूटेगा, एक नहीं पूरा 32, क्योंकि इस तरह की अगर गलती करोगे तो फिर मैच देखिए काफी जल्दी निकलेगा। अगला मैच का देखिए जहां पर सेकेंड राउंड का हो रहा है तैयारी, और बहुत बढ़िया देखिए यहां पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए मेरे हिसाब से कोपरली 11 कोपरली टीम को। देखिए आवरेज टीम ने देखिए बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, 1+1 देखिए यहाँ पर 2 रन। और नवनाथ जी बात करेंगे ना, पहला बीमर हो चुका है, अगर दूसरा बीमर हुआ तो फिर विजय मान लिया गया जैसे, देश तो नहीं छोड़ना होगा लेकिन गेंदबाजी ये छोड़ना होगा आपको। कहीं क्रिकेट का देखिए रूल रेगुलेशन है। ओहो देखिए यहां पर फ्री हिट का गेंद था और मौका मिला और धागा चौका। चलिए नवनाथ दादा देखिए खुश है, हमारी कमेंटेटर कोपरली टीम देखिए उनका लेके नहीं। ओह यहाँ पर देखिए गाड़ी फंस गई, फील्डिंग तो देखिए बहुत बढ़िया था लेकिन कवर नहीं कर सके यहाँ पर, और निशाना लगाना चाहते थे। और इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ नवनाथ सर के अपनों को धोखा दुश्मन को मौका कभी ये मत देना, और कोपरली टीम देखिए लगातार दे रहे हैं मौका, और मौका देंगे तो फिर ऐसे तो चौके छक्के खाएंगे। कुल इसको देखिए जाकर पहुँचा यहाँ से 11 रन, देखिए यहाँ पर 44 कहाँ चाहिए तो 11 के औसत से रन बनाना है, इतना बुरा भी नहीं टारगेट कहा जाएगा, भला बड़ा नहीं कहा जाएगा, लेकिन एकाग ऊपर अच्छा हो गया तो फिर मुश्किल बन सकता है। प्रतीक गावन हवा में गेंद है, फील्डर है एक बढ़िया कैच लेते हुए, और ये देखिए अभी तक यहाँ पर मिथुन बता रहे हैं भाई कफन ना डालो मेरी चेहरे पर, मेरी आदत है मुस्कुराने की मुस्कुराने की मुस्कुराने की मुस्कुराने की। नवनाथ सर अगर कोपरली टीम को ये मैच जीतना है ना, जैसे कहते हैं ना सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है, नहीं तो खूब डस मारते हैं।
लेकिन जो शुरुआत के बैटर रहते हैं ना, ये ऐसे सांप नहीं रहते हैं, ये अजगर रहते हैं, ये डसते नहीं हैं, निगलते हैं। अगर शुरुआत में कहीं ये बैटर को रोक लिया तो फिर मैच में मजा आ जाएगा। और कोपरोली इलेवन, कोपरोली टीम बता रहे हैं भाई, सांप में जहर हो या ना हो लेकिन जहरीला दिखना चाहिए, और यहाँ पर जहरीला बन रहे हैं। लेकिन देखते हैं कितना आसान रहेगा और कितना मुश्किल रहेगा। अभी भी देखिए ओवर की बात करेंगे, दो गेंद शेष है, 11 रन। देखिए रन तो अच्छा आ चुका है, लेकिन विकेट की बात करेंगे, जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज गिर जाए ना फिर आसान नहीं रहता है। और स्ट्राइक पर देखिए इस बार सत्याभूर, देखिए यहाँ पर गेंद बल्लेबाज है नहीं, देखिए यहाँ से फिर से फुल लेन का गेंद, गलती करते जा रहे हैं, शायद अभी अभी मैदान पर उतरे थे इसलिए इसका फायदा नहीं ले सके। कहते हैं ना नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, और मैदान पर अभी उतरे थे। अगर यहाँ पर सेठ बल्लेबाज होते ना यहाँ पर प्रतीक, फिर से ये गेंद छक्का नहीं अट्ठा के लिए जा सकता था। श्रीकांत देखिए अभी तक इनके ऊपर देखिए जिम्मेदारी बढ़ चुका होगा। अरे देखिए और एक देखिए बढ़िया, यहाँ पर ऑफ ड्राइव खेलना चाहते थे और अच्छा ओवर देखिए यहाँ पर 11 रन, एक सफल 12 रन देखिए यहाँ पर और एक सफलता। लेकिन अभी भी बात करेंगे ना, यहाँ से 32 रनों की जरूरत है, और आने वाली देखिए बात करेंगे ना 18 गेंद बचा है, कुछ भी हो सकता है। नवनाथ सर मैं हमेशा कहता हूँ, कश्ती कभी भी डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है, और ये टेनिस क्रिकेट है दोस्तों, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। यानी खास करके ये उरन के प्लेयर हैं, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है, टीवी मत ऑफ करना। दर्शक देखिए अभी तक शांत हैं, जानते हैं ये मैच अभी तक 20 भंवर में फंसा है, क्योंकि कहते हैं ना क्रिकेट ऐसा रंग बदलता है ना कभी कभी, हमें घोड़े और गधे को भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। हेलो, या दरमियान कोपरोली विद्यमान उपसरपंच सरमणी विपुल जी माता साहब शुभ आगमन झाले, मी रोशन मोकरेंना विनंती करतो की आपल्या शुभासते कोपरोली गावचे विद्यमान उपसरपंच विपुल जी मात्रे, अर्थात अतिशय कमी वयामध्ये कोपरेल गावचं उपसरपंच पद ज्यांना बहाल झालंय, एक श्रीमंत ग्रामपंचायत म्हणून त्याच्याकडे पाहायला जातोय। त्याचप्रमाणे सन्मानी हिराचंदजी मोकर आणि कांचनजी मोकर, दोन बंधुराज चिरनेर गावचे हे सुपुत्र, त्यांचंही शुभ आगमन झालंय, त्यांचंही तिरंगा ट्रॉफीच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत केलं जाईल। मी रोशन मोकर यांना विनंती करतो की आपण हिराचंद मोकर आणि कांचन मोकर यांचंही आपण स्वागत करायचं आहे। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए सम्मान चल रहा है यहाँ पर, क्या बढ़िया देखिए काम यहाँ पर करके दिखाते हुए हमारे हर आयोजन करता हूँ, देखिए जिक्र उनका कर रहूँगा निश्चित रूप से जैसा वक्त समय मिलेगा। लेकिन कुशल मूवमेंट है, 18 गेंद 32 की जरूरत है। फिर से देखिए पहला गेंद, ओहो विकेट मिलता हूँ यहाँ पर, चरण बता रहे हैं भाई उछाला मिल मेरे चेहरे पर, लेकिन फतर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक पर यहाँ पर आते हुए दर्शन मात्रे, गेंदबाजी तो बढ़िया किए थे, दर्शन दिए थे पहले गेंद के पर। इस बार देखिए फोन लेन का गेंद, हवा में गेंद है, फील्डर के बीच से देखिए यहाँ पर निकलता हुआ और आता हुआ देखिए यहाँ पर चौका, पिछली गेंद के पर विकेट और उसके बाद आता हुआ चौका। सर फुल लेन का गेंद, कहते हैं ना शेर के पूछ में अगर पैर मारोगे तो भाई पप्पी नहीं मिलेगा, झप्पी मिलेगा। हेलो, तत्पूर्वी मान्यवरांचं तो शुभ आगमन झालंय खऱ्या अर्थानं बाबूश, ओहो उसके बाद देखे चौके खाने के बाद वापसी, इसलिए तो कहते हैं ना जिंदगी में ठोकर खाकर कभी उदास मत होना, क्योंकि ठोकर ही अक्सर इंसान को चलना सिखा देता है। और यहाँ पर देखिए दो फुल लेन का गेंद जिसमें एक सफलता मिला था, और उसके बाद देखिए चौके लगा, लेकिन उसके बाद समीकरण देखिए यहाँ से बदलता हुआ, टीम का टोटल देखिए बात करेंगे तो यहाँ से 16 रन, और गेंद की बात करेंगे तो यहाँ पर 16 गेंद बचा है और 28 की जरूरत है। फिर से देखिए यहाँ पर इस बार तो मैं तो कहूँगा बाल बाल बचे, विकेट कीपर ने देखे गेंद शायद उनके हाथों से नहीं, वाइड का इजाफा, पैरों से गेंद को रोक लिए। तत्पूर्वी मान्यवरांचं आगमन झालं, सन्माननीय आनंदजी तारेकर, सन्माननीय नीरजजी पाटील, सन्माननीय वैभवजी पाटील, सन्माननीय रितेश शेठ पाटील, सन्माननीय प्रतीक पाटील, मिलिंद तारेकर, साहिल भोईर, सर्वेश पाटील, प्रफुल्ल पाटील, समाधान पाटील, प्रतीक केदारी, या सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपण मंचावर यायचं आहे। खऱ्या अर्थानं एक मोठं व्यक्तिमत्व आहे या रायगडच्या भूमीमधील सर्व मान्यवर, या मान्यवरांना विनंती करतो की आपण मंचाशी संपर्क साधायचा आहे। सर्व मान्यवर ओटू बाबूशा सर, क्या बात है राजेंद्र सर, क्या करें, बिल्कुल वो भी है राजेंद्र सर भी मशहूर हैं, देखिए कई मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं और उन्हें भी यहाँ पर बुलाना, खातिरदारी करना जरूरी है।
और ये चलिए फुल लेन का केन गलती किया यहाँ पर और सबक भी यहाँ पर देखे मिला यहाँ पर एक के 47 यहाँ पर देखिए ये भी वही था फुल लेन का केन और सबक दे दिया भाई छक्के के साथ दर्श फिर से फुल लेन का केन ओहो मामा ठाकुर अरुण भी गए यही तो कहा था नौना सर शेर के पूछ में पैर मारोगे तो भाई पप्पी नहीं मिलेगा झप्पी यहाँ पर दूसरा छक्का दो छक्के ने देखिए मुकाबला को कितना करीब ले आया जैसे नौना सर कहते हैं ना शराब थोड़ी पीने से किसी की याद आती है अगर पूरी बोतल पी लो तो एकदम सामने आ जाती है तो क्रिकेट में देखिए एकाक चौके छक्के लगने से मुकाबला करीब आता हुआ अभी देखिए गेंद बचा है 13 और जीत के लिए चाहिए 14 दो छक्के यहां पर फिर से देखिए इस बार तो भाई लैला के शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया नो बॉल और चौका देखिए बहुत बड़ी गलती 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 यानी धोखा 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 दे गया रे बहुत बड़ी देखिए 44 रनों का टारगेट पूरा नहीं था लेकिन यहां पर बहुत फ्री हिट कितनी बड़ी देखिए गलती कर दी इस ओवर में कहते हैं ना प्रेमी बदल गए प्रेम बदल गया और इस ओवर में चरण की ओवर में पूरी तरह से गेम बदल गया चरण ने देखिए पहली गेंद पे सफलता ली है लगा के घर पे खुशियाँ आई लेकिन कहते हैं ना घर पे आई खुशियाँ दरवाजे से लौट जाना इसलिए तो मैं नवनाथ सर कहा था कि क्रिकेट ऐसा रंग बदलता है ना कभी कभी हमें घोड़े और गधे को भी पहचानना मुश्किल हो जाता है मान्यवर खरी अर्थान कहीं वेला शुभागमन होईल अनंजी तारेकर नीरजी पाटिल वैभवजी पाटिल खरी अर्थान बैलगाड़ा शर्यत या बैलगाड़ा शर्यती या व्यक्तिमत्वांचं नाव खूप मोठं आहे क्रिकेटच्या माध्यमातून या व्यक्तिमत्वांचं नाव खूप गाजलंय पारगाव कोपर आणि मानघर या विभागातील सर्व मान्यवरांचं शुभागमन काही क्षणामध्ये होईल खऱ्या अर्थानं खूप मोठं व्यक्तिमत्व आहे त्यांचं स्वागतही आमच्या आयोजकांच्या वतीने केलं जाईल तत्पूर्वी पुन्हा त्या वळूया आपण बाबूशांच्याकडं चलिए यहाँ पर शरण माथरे देखिए हम क्या उनकी बुराई करें वो खुद नाखुश रहेंगे अपने आप से क्योंकि कोई खिलाड़ी देखिए अपने टीम के लिए हार देखने नहीं आता है गलती करने नहीं आता है लेकिन शायद आज चरण का दिन बेहतर नहीं था लेकिन कहते हैं ना सोना अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो उसका कीमत कम नहीं होता भले आज इस मैदान पर उनका प्रदर्शन खराब है और ये चलिए भाई रिवर्स खेलने गए और गलती कर दिए भाई यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर रन आ चुका था लेकिन छेड़खानी करते हुए लेकिन क्रिकेट है दोस्तों एक एक छोटी गलती कहते हैं ना एक छोटा सा छेद बड़ी सी जहाज को भी डुबा सकता है एक छोटा सा गलती फिर से आपको मैच में फंसा सकता है फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हमको गया सेकंड टाइम में लव हो गया यहाँ पर शायद आपके पास माइक्रोफोन नहीं है क्योंकि आजकल देखिए हर बैटर ने रिवर्स खेलना शुरू कर दिए हैं पहले हमें कहीं 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 इलाके में एक एक टीम से मिलते थे जैसे कहते हैं ना पहले जाइए एक ही स्टेट में हमें एक डॉन का नाम सुनने को मिलता था आज देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में हर घर में हर गली में डॉन तो उसी तरह से अभी क्रिकेट में देखिए हर बैटर रिवर्स पहले हमें कहीं कहीं एकाक बल्लेबाज से देखने को मिलता था रिवर्स शॉट लेकिन आज देखिए हर बल्लेबाज ही ने पसंदीदा बना लिए हैं तो चलिए जीत और हार के बीच में बात करेंगे 8 रनों की जरूरत है यहाँ से जहाँ पर 11 गेंद शेष है दर्शक देखिए थोड़ी सी शांत यहाँ पर बैठे हैं और क्राउड देखिए खचाखच क्या बहुत बढ़िया देखिए यहाँ से माहौल बना है कहते हैं ना फूल तो टूटकर बिखर जाएगा खुशबू हवा में रह जाएगा तिरंगा चषक देखिए यहाँ तो अलविदा ले लेगा आने वाला कल का दिन लेकिन इसका खुशबू 364 दिन तक फिर से लहरता रहेगा कब आएगा फिर से ये टूर्नामेंट्स ये दर्शकों की तादाद बता रही है ये उनकी प्यास बता रही है इसलिए तो हर साल लेकर आया जाता है और यहाँ देखिए कैच लिया गया लेकिन नाखुश है कहते हैं ना चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है अगर घर में अर्थी हो तो फिर बारात बुरी लगती है अभी देखिए हार के कगार में है लेकिन जब तक हार नहीं होती है ना उसे हार नहीं कहा जाता है एकाक ओवर देखिए अच्छी हो गई तो फिर मैच में पासा पलट सकता है
कल के दिन के ऊपर देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला निश्चित रूप से चांबर लेखा मुंडे के बीच में। तो देखते हैं ये मैच भी अभी भी देखिए दूर तो ज्यादा नहीं है लेकिन इतना भी नजदीक नहीं है। जहां पर देखिए 9 गेंद बचा है 8 की जरूरत है। अरे मैं हमेशा नौनाथ सर कहता हूँ कि हारने में बुराई नहीं है लेकिन हार मान लेने में बुराई है। इतनी जल्दी शायद हार नहीं मानना चाहिए। और दर्शक देखिए क्रिकेट के कोहिनूर यही तो भाई क्रिकेट के असली हीरो हैं। आज देखिए किसी टूर्नामेंट को देखिए सफल बनाते हैं, किसी खिलाड़ी को देखिए आज स्टार बनाते हैं, आज किसी कॉमेंटेटर को सुपर डुपर बनाते हैं, यही हमारे दर्शक हैं। अगर सोचिए साइप्रस लाइव ना होता तो फिर यहाँ क्या हालत होता दर्शकों का, क्योंकि ये इतनी अच्छी क्लियरिटी क्वालिटी से दे रहे हैं ना। कई लोग सोच रहे हैं भाई बिस्तर में बैठ सोकर बड़ी आराम से देखें टीवी पर। रायगढ़ भूषण पुरस्कार सम्मानित गिरीश मात्र कोपरोली यहाँ ही विनंती करते अपने मंच पर रहे। चलिए 9 गेंद 8 की जरूरत है, क्या मैच में आएगा मजा। हाँ इस बार देखिए स्क्वायर कट पॉइंट के ऊपर से देखिए और ये चौके ने मैच को ले गया घसीट कर रहा। कहते हैं ना प्रेमी बदल गया प्रेम बदल गया और इस चौके ने पूरी तरह से गेम बदल दिया। हमको मैसी नहीं मानता, हमको लेली नहीं मानता, हमको सैंड्रा फ्रॉम कैरोना ही मानता। तो कौन मानता? ए जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है जान है जान है जान है। चलिए धन्यवाद। यहाँ से देखिए 8 गेंदे बच गया 4 के और दर्शन ने देखिए क्या बढ़िया दर्शन दिए जाकर। टीम को जरूरत था तभी सफलता दिलाए थे और टीम को जरूरत था यहाँ पर रन निकाले थे। यहाँ पर कैच के लिए कोशिश नहीं किया जा रहा है, जानते हैं मैच हाथ से लेकिन मेरे हिसाब से कोशिश करना चाहिए था। अगर 2-3 रन भी रहता ना फिर भी देखिए 6 गेंद में बन सकता था मैच। और दर्शकों की तादाद देखिए, नौना सर आने वाला कल मंगलवार का दिन है, छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन दर्शक बता रहे हैं नौकरी छूटेगा चलेगा भाई। 2 रनों की जरूरत है, नौकरी छूटेगा चलेगा, बीबी बच्चे रूठेंगे चलेगा, लेकिन टीम का साथ नहीं छूटना चाहिए। यही तो ग्रामीण की जोश है, यही तो ग्रामीण का नशा है। तादाद देखे यहाँ पर देखिए यहाँ से बात करेंगे 1 रनों की जरूरत है, लेकिन नौना सर अब दुकान में ताला लगने वाला है क्योंकि अगला मैच सेकेंड राउंड का आने वाला है। वहां से जो टीम मुकाबला जीतेगा सपना देखेगा सुपर 8 में पहुंचने के साथ। कम से कम ये देखिए तिरंगा ट्रॉफी देखिए, क्या खूबसूरत नजारा, वाह रे वाह। इसलिए तो कहता हूँ जिंदगी में काम ऐसा करो कि लोग आपको टीवी पर देखें, सीसीटीवी पर नहीं। आज देखिए हमारे मेहमान हम देख सकते हैं शाम से कितने तादाद देखे यहाँ पर, एक एक मेहमान यहाँ पर है, हर मेहमानों का खातिरदारी। और देखिये चमकता हुआ ट्रॉफी, ऐसा लग रहा है कि हमारा देश का तिरंगा भी देखे लहरता हुआ हमारे ऊपर। पीटीसी फाउंडर सन्मान्य संदीप वास्कर साहेबांचं शुभ आगमन झालंय, विनंती करतो साहेबांना मंचावर यायचं आहे। पीटीसीचे फाउंडर पनवेल टेनिस क्रिकेट चे फाउंडर संदीपजी वास्कर साहेबांना विनंती करतो आपण मंचावर यायचं आहे। संदीप दादा वास्कर एक राजेंद्र सर एक आपको मैसेज देना चाहूंगा, जब 2020 में मैं आया था कॉमेंट्री के लिए उस दिन भी संदीप दादा वास्कर आए थे, क्या बात है। देखिए 2 साल के बाद फिर से आज इस टूर्नामेंट में मैं जुड़ा हूँ और संदीप दादा वास्कर कितनी बड़ी याद है। देखिए तिरंगा चषक का एक खासियत है, एक पहचान है, ये बहुत कुछ यादें छोड़ कर जाता है। हमारे पीके पाटिल सर भी देखिए टोंड्रे से मैच का मजा ले रहे हैं, जय अंबिका टोंड्रे के देखिए कोच ओनर निश्चित रूप से। और देखिए गर्मा गर्म चाय की फ्याल यहाँ पर आता हुआ यहाँ पर है, कितना अच्छी खातिरदारी देखिए। कहते हैं ना चाय हमेशा कप से पी जाती है, फ्याली से नहीं, क्रिकेट दिमाग से खेला जाता है, ताकत से नहीं। मैच थोड़ा सा देखिए ये तो कहेंगे फंसा नहीं है, लेकिन थोड़े समय के लिए मैच रुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन दर्शक नाखुश रहेंगे नवनाथ सर। कहते हैं ना वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो और वो क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो, अभी तक देखिए वो टक्कर भरा मुकाबला देखने को नहीं मिला। शायद उम्मीद क्या गया था इस मैच में देखने को मिल सकता था। कहाँ से बात करेंगे ना यहाँ पर चरण की वो जो फुलैंड का गेंद, उसके बाद विमर एक चौका गया, अगर वो भी रहता ना 5 रन अभी भी मैच देखिए बैलेंस रहता था, लेकिन वो भी क्या करें। मैंने यही बात कहा कोई खिलाड़ी अपने टीम के लिए। संदीप दादा वास्कर, संदीप दादा को याद होगा निश्चित रूप से, तभी हमारे रायगढ़ यानी महाराष्ट्र के ओपन टीम खेल रहे थे, अंगद पाटिल ने ये तिरंगा चषक तभी में पहुंचा था, उन्होंने जीत दिलाई थे गया। तो चलिए यहां से बात करेंगे संदीप दादा वास्कर, देखिए जैसा ही नाइट देखिए उनका फिटिश लाइव वहाँ कवरेज करते हुए बहुत बढ़िया देखिए।
एक दिलदार मेहनती और जो प्यार उनके ऊपर है वो प्यार देखिए अफजाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ से देखिए बात करेंगे, 5 गेंद बचा है, अभी भी 1 रनों की ज़रूरत है। ऐसा मुकाबला 2015 में हुआ था वो एक कैंप इनामपुरी के बीच में, किरोली क्रिकेट टूर्नामेंट के ऊपर, बहुत बड़ा यादगार लम्हा था। तुषार पाटिल ने जहाँ पर 5 रन बताए थे और वहाँ से इनामपुरी टीम चैंपियन भी बना था। और ये चले क्या मैच में अब आएगा मजा, क्योंकि अभी देखिए 4 गेंद 1 की ज़रूरत है और कंपल्सरी चेसिंग और ड्रेसिंग। मुकाबला देखे यहाँ पर 4 गेंद 1 की जरूरत है। कहते हैं ना, फूलों की दुकान खोलो और खुशबुओं के जैसा महकना सीखो। और उसी तरह से देखिए ये गेंदबाज यहाँ पर क्या महकेंगे। यहाँ पर 2 गेंद के ऊपर देखिए 2 सफलता, तो चलिए यहाँ पर हैट्रिक का मौका है और क्या इतिहास दोहराएंगे इस सीजन में। देखिए 3 गेंद के ऊपर 1 रन ओल्ड टीम और गोरशाही के बीच में जो मुकाबला खेला, एक ट्रिक लेते तो 5,000। ओहो क्या कमाल की गेंदबाजी, एक बार तो तालियां बजनी चाहिए। वार वाह छा गए गुरु, यहाँ पर डॉट गेंद निकलता हुआ, अभी मैच में आएगा मजा। इसलिए तो कहता हूं कि कश्ती कभी भी डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है। दोस्तों ये उरन विवाह की दोनों टीम है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। संगम वाली साहब देखिए इनकी तरफ से बात करके हैट्रिक के लिए 5,000। अभी तो देखिये यहाँ हैट्रिक नहीं बनेगा, लेकिन आगे का 3 गेंद के ऊपर फिर से मौका है, ओवर हैट्रिक भी बन सकता है। क्या गेंदबाजी देखिए, इसलिए भाई नौना सर मैंने कहा कि वो नो बॉल चौका आखिरी, अगर वो 5 रन भी रहता तो फिर हालत क्या रहता। देखिए भाई यहाँ पर, और यहाँ पर बता रही है देखिए, 1 रन रहती है ना आग लगाने वाली काम रहती है, क्योंकि यकीन ना आए तो माचिस से पूछ लीजिए, उसका भी कीमत 1 रुपया है और वो आग लगाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर 1 रन है, यहाँ पर देखिए 1 रन, मंकी विकेट देखिए अक्सर टूर्नामेंट में हम देखते हैं, आउट दिया जाता है, कहीं वार्निंग दिया जाता है, कहीं शायद ये रोल रहा नहीं जाता है। रिप्ले में देख सकते हो, यहाँ पर बैटर भी देखिए गेंदबाज को देख रहे हैं और बैटर रह गए थे जगह पर। यहाँ से अंपायर देखिए कुछ बातचीत कर रहे हैं, पेशर पेशर। क्या बढ़िया मुकाबला, क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बन जाएगा। गुरु पानी में आग लगेगी और पत्थर पिघल जाएगा। ये देखिए गर्मा गर्म चाय आता हुआ और मैच जैसा चल रहा है, लग रहा है यहाँ पर चाय नहीं है कुछ, हाथों में जाम आ चुका है, क्योंकि आने वाली देखिए गेंद बात करेंगे 3 गेंद 1 की जरूरत है। कौन भूल सकता है चेंज दोगे मोडोली और घोरसाई के बीच में उस आटने के मैदान के ऊपर इस सीजन का शुरुआत है। 3 गेंद 1 की जरूरत था, और कल भी देखिए इसी मैदान के ऊपर चांबरली कामोटी के बीच में हुआ था। अगर यहाँ से अगला गेंद निकला डॉट तो मैच में आ जाएगा सनसनी 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 सनसनी। गेंदबाज तैयार यहां से प्रीतेश, और इस बार देखिए कैप ढूंढ लिया। कहते हैं ना बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी भाई, 1 रन बचाना कब तक है, आपके लिए आसान रहेगा। हेलो, लेकिन कहां से चरण की गेंदबाजी, थोड़ी सी रन बचा लेते हैं लेकिन चरण नाखुश रहेंगे हमसे भी ज्यादा वो। चलिए राजेंद्र सर आपकी तरफ ही जाएंगे, वक्त नहीं लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस मैच का मैन ऑफ द मैच का